प्रथम तहलका न्यूज। किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्ष को निशाने पर लिया है। उनका कहना है कि विपक्ष हर अच्छे काम में रुकावट डाल रहा है। किसानों की भलाई के लिए ये बिल लाए हैं और कांग्रेस पार्टी ने भी अपने घोषणा पत्र में इन बिलों का जिक्र किया था, लेकिन जब हमने इन बिलों को लेकर आए तो विपक्ष स्वागत करने की बजाय इसके विरोध पर उतर आया है। विपक्ष हर अच्छे काम में रुकावट डालना चाहता है। किसानों की भलाई के लिए ये बिल लाए गए और कांग्रेस पार्टी ने भी अपने घोषणा पत्र में इनका जिक्र किया था, लेकिन अब हम ले आए हैं तो स्वागत करने की बजाय वो विरोध कर रहे हैं, किसानों को भड़का रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों के रोड जाम करने पर चिंता जताई और इसका जिम्मेवार कांग्रेस को ठहराया। विज ने कहा कि प्रजातंत्र में किसानों को प्रोटेस्ट करना जाहिर सी बात है, लेकिन उन्होंने आंदोलनकारी किसानों से विनती करते हुए कहा कि कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, मरीज आ रहे हैं, दवाई सड़कों के रास्ते आनी है, इसलिए रास्ते जाम ना करें। आज देश कोरोना के संकट से गुजर रहा है, किसान भाई प्रदर्शन करें, हमें उससे कोई एतराज नहीं, लेकिन रास्ते जाम ना करें। हमने किसानों को कहा है कि अगर वो विरोध करना भी चाहते हैं तो करें, प्रजातंत्र में उनको अधिकार दिया गया है, लेकिन आज आम स्थिति नहीं है, आज महामारी फैली हुई है, आज मरीजों का आना जाना है, दवाइयां आनी हैं, आज आप रास्ते जाम मत करें, आप प्रदर्शन करें, हमें उससे कोई इतराज नहीं है, लेकिन हमने अपील की है कि वो रास्तों को जाम मत करें। आपको बता दें कि मंत्री अनिल विज अंबाला में प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस सेवा सप्ताह में एक रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी के 70वें जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। प्रथम तहलका के लिए अंबाला से ब्यूरो रिपोर्ट।